बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको सफ़ेद चनों का पुलाव बनाने की रेसिपी बताएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने एक अदद प्याज, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च, 1 बड़े साइज का टमाटर, इंग्लिश बस ज़रूरत, हल्दी, 2 से 3 लौंग, सुरख मिर्च, दालचीनी, ज़ीरा सफ़ेद और काली मिर्च, नमक, उबले हुए सफ़ेद चने। हम बेचके को चूल्हे पे चढ़ा लिया है, आयल हमने डाल लिया है, प्याज भी डाल लिया हमने। आप देख सकते हैं, आप प्याज को हम ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर, सब्ज़ मिर्च वो डालकर इसको भुनेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको भूनना है। बाकी के तमाम जो नमक, मिर्च, मसाला जाते हैं वो डालेंगे। चार ग्लास पानी हम इसके अंदर डालेंगे और चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि इसको एक और दो उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद हमने इसके अंदर चावल डालने हैं। चावल डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स करना है। ऊपर आपने ढक्कन दे देना है। अब हमारे जो चावल हैं बिल्कुल तैयारी के करीब हैं और हम इसको अब दम पे रखेंगे 5 मिनट के लिए। साथ ही हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं माल के हमारे सफ़ेद चने का पुलाव बना है। आप भी बनाएं और खाएं और मज़े लें। ये थी हमारी आज की